एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी कथा है। सम्राट सोलेमन सुबह सुबह सोकर उठा ही था कि उसके एक वजीर ने घबराए हुए भीतर प्रवेश किया। वह इतना घबराया था, सुबह सुबह की ठंडी हवा थी, शीतल मौसम था चारों तरफ, लेकिन वजीर पसीने से लथपथ था। सोलोमन ने पूछा, क्या हुआ? बिना पूछे एकदम भीतर चले आए और इतने घबराए हो, बात क्या है? उसने कहा, बस ज्यादा समय खोने को मेरे पास नहीं है, आपका तेज से तेज घोड़ा दे दें। रात सपने में मौत मुझे दिखाई पड़ी है और मौत ने कहा, तैयार रहना, कल शाम मैं आती हूँ। सोलेमन ने पूछा, तेज घोड़े का क्या करोगे? उसने कहा कि मैं भाग यहाँ से तो भाग, इस जगह रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, तो मैं दमिश्क चला जाना चाहता हूँ। सैकड़ों मील दूर तेज से तेज घोड़े दे दें, बातों में समय खराब ना करें, मेरे पास समय नहीं है। बच गया, लौट आऊँगा। सोलेमन के पास जो तेज से तेज घोड़ा था दे दिया गया। सोलेमन बड़ा हैरान हुआ। सोलेमन बड़े बुद्धिमान लोगों में एक था। उसने आंख बंद की, उसने मृत्यु का स्मरण किया, मौत प्रकट हुई। उसने पूछा, ये भी क्या तरीके हैं? उस गरीब वजीर को क्यों घबरा दिया? मारना हो मारो, बाकी पहले से आने का यह कौन सा नया हिसाब निकाला? मरते सभी हैं, मौत किसी को खबर तो नहीं देती, इसलिए तो लोग मजे से जीते हैं और मजे से मर जाते हैं। मौत खबर दे तो जीना मुश्किल हो जाए। यह कौन सी बात निकाली, यह कौन सा ढंग निकाला? मौत ने कहा, मैं खुद मुसीबत में थी, इस आदमी को दमसिक में होना चाहिए शाम तक, और यह यही है, सैकड़ों मील का फासला है। मैं खुद बेचैनी में थी कि यह होगा कैसे। दमसिक में इसे मुझे लेना है आज शाम, इसीलिए चौंकाया उसे। कहा, वह आदमी कहाँ है? वह आदमी? सोलेमान ने कहा कि वह गया दमसिक की तरफ। कहते हैं सांझ जब वजीर पहुंचा, दमसिक बड़ा निश्चित था। दमसिक पहुंचकर बड़ा निश्चित हुआ। निश्चिंत होकर के वो आराम से एक पेड़ के नीचे छांव में जा बैठा और घोड़े को भी एक पेड़ में बांध दिया और घोड़े की पीठ थपथपाई कि शाबाश, सच में तू सोलेमान का घोड़ा है, ले आया सैकड़ों मील दूर। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ पड़ा। उसने कहा, तुम धन्यवाद मत दो, धन्यवाद मुझे देना चाहिए। पीछे लौटा तो देखा मौत खड़ी थी। घबरा गया। उसने कहा, घबराओ मत, घोड़ा निश्चित ही तेज है, मैं खुद ही परेशान थी कि इंतजाम यही है, खबर मेरे पास यही आई है कि दमसिक में सांझ तुम्हें सूरज ढलने तक लेना है। मैं खुद डरी थी कि अगर तुम भागे ना उस गांव से तो तुम दमसिक पहुंचोगे कैसे, मगर घोड़ा ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। यही तुम्हें मरना है। तुम कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, गरीब की तरह जाओ, अमीर की तरह जाओ, फकीर की तरह जाओ, बादशाहों की तरह जाओ, सब मरघट पर पहुंच जाते हैं। सभी रास्ते वहां ले जाते हैं। लोग कहते हैं सभी रास्ते रोम ले जाते हैं, पता नहीं, सभी रास्ते मरघट जरूर ले जाते हैं। रोम भी एक तरह का मरघट है, बड़ा पुराना, प्राचीन खंडहरों के सिवा कुछ भी नहीं, वहीं ले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अंधकार में डूबे हो और दीपक की खोज नहीं करते, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मौत के अतिरिक्त कोई भी नहीं आएगा, किन सपनों में खोए हो?